बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से आई एक गुड न्यूज से। अब गैर कश्मीरी भी जम्मू कश्मीर का वोटर बन सकते हैं। इसके लिए स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों में गैर स्थानीय लोग भी मतदान कर पाएंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में वो लोग भी मतदान कर सकते हैं जो जम्मू कश्मीर में पढ़ाई के लिए सिर्फ आए हैं या फिर वहां मजदूरी करते हैं। प्रयागराज पुलिस की तरफ से संगम तट पर लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिसे देखकर संगम तट पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। देशभक्ति की भावनाओं में डूबे युवा, महिला और बुजुर्गों ने जन कल्याण के लिए गंगा तट पर दीपदान भी किया। झूले पर बैठे इन शख्स को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम इनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। झूले पर बैठे शख्स का नाम भूपेंद्र पटेल है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और झूले पर इनके साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम वजू भाई वाला है, जो कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल है। देखिए तस्वीरें राजकोट से आई हैं। यहाँ जन्माष्टमी मेला लगा हुआ है और मेले में अपने बीच राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल को देख करके लोग चौंक गए। इंडियन आर्मी ने बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास एनसीसी कैडेटों की यात्रा का आयोजन कर दिया। इस आयोजन के तहत बारामूला महिला डिग्री कॉलेज की 14 छात्राओं ने हिस्सा लिया। एनसीसी की छात्राओं ने उरी बारामूला फायरिंग रेंज का भी दौरा किया, जहां उन्हें घातक हथियार और लाइट मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिनकी याद में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह ने अगरतला में अल्बर्ट एक्का वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। यहां परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का की शहादत को याद करते हुए सेना के जवानों ने बिगुल बजाया। मुख्यमंत्री मानिक साह ने अल्बर्ट एक्का की मूर्ति का भी अनावरण किया। असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर में स्कूली छात्राओं के लिए बीएसएफ ने हथियारों की प्रशिक्षण प्रदर्शनी लगाई और यहां कई स्कूल की छात्राओं को आने का मौका भी मिला। इस प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक हथियारों की नुमाइश लगाई गई, जिसे देखकर छात्राएं काफी उत्साहित नजर आईं। रामेश्वरम में विश्व शांति के लिए साईं बाबा के भक्तों ने महायज्ञ में हिस्सा लिया। कोविड काल के बाद ऐसा पहली बार था जब 108 जोड़ों ने एक ही तिरपाल के नीचे महायज्ञ में एक साथ बैठकर साईं बाबा की पूजा की। पंडितों के जरिए वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया, जिसके बाद हर भक्त ने अग्निकुंड के सामने बैठकर यज्ञ किया। देश में अब ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली उबर और ओला की मनमानियों पर ब्रेक लगने वाली है। केरल सरकार ने नई अफोर्डेबल ई कैब सर्विस की शुरुआत कर दी है। देश में किसी राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली ये पहली ऑनलाइन कैब सर्विस है। चेन्नई पुलिस ने ड्रग जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। चेन्नई के पुलिस आयुक्त की मौजूदगी में इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हरी झंडी दिखाई गई। जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 350 स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया।